दोहरा हूं, आप जानते हैं क्यों दोहरा रहा हूं, छठा प्रेस कॉन्फ्रेंस 71 दिनों में। तो आज प्राथमिकता मराठी मीडिया को दी जाएगी, उसके बाद हिंदी मीडिया से सवाल लिए जाएंगे और अंत में अंग्रेजी से भी सवाल लिया जाएगा। मैंने आपको सब नियम बताए दिए हैं, 35-40 मिनट का समय है। भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल राहुल गांधी जी जवाब देंगे। पहला सवाल राजेश शेवगांवकर लोकमत से, माइक लीजिएगा, संक्षिप्त में पूछेगा ताकि सब लोग पूछ सके। हेलो सर नमस्ते, आप मराठी में पूछ सकते हैं, पटोले जी ट्रांसलेट नहीं, हिंदी बात कर सकता हूँ मैं। अच्छा नहीं, इट्स बेटर सर। तुम्ही म्हणता की भारत जोड़ा भारत जोड़ा, परंतु तुमचे सगळे विरोधक असे म्हणतात की भारत तुटलाच नाही, जोडण्याचा कुठे प्रश्न आहे, तर भारत नेमका कुठे तुटलेला आहे असं वाटतं तुम्हाला? समझ गए समझ गए, मराठी समझता हूँ मैं। तो आपने कहा कि भारत जोड़ों की क्या जरूरत अगर भारत टूटा ही नहीं। देखिए, भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चेरा पे साकल, भैया ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावडेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। और जो युद्ध का मैदान होता है उसको, जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है, मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर, पुण्य नगरी। कन्याकुमारी पासून तुम्ही जी पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची। सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक
ठीक है, जब हम वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। राहुल जी, कन्याकुमारी पासून तो आता मध्य महाराष्ट्र पर्यंत तुमची भारत जोड़ो यात्रा सुरू आहे, या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाणी? सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़े मुझे दो दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझे मुझमें कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें